हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द स्टोरी ऑफ अमृता, ऐसे ही आज का हमारा चैप्टर 5 है, अनीता एंड द हनीबीज। यहाँ एक अनीता नाम की गर्ल है और यहाँ उसकी एक स्टोरी दी गई है जो हम स्टोरी आज रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माई नेम इज अनीता कुशवा। मेरा नाम अनीता कुशवा है। आई लिव इन बोझा विलेज। मैं बोझा गांव में रहती हूँ। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। जो मुजफ्फरपुर में बिहार जिले में आया हुआ है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ एंड टू यंगर अदर्स। और मेरे दो भाई भी साथ रहते हैं। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में स्टडी करती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। और साथ में मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। और मैं मधुमक्खियों को पालने का भी काम करती हूँ। ऑल दिस हैज नॉट बीन इजी फॉर मी। ये सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। वेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्राज फॉर फूड। जब मैं छोटी थी तब मैं पूरे दिन बकरियां चराती थी। आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। पर यह मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, की लड़कियां स्कूल जाए। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। अनीता कुशवा इज अ गर्ल स्टार। यह एक सच्ची घटना है चमकता सितारा अनीता कुशवा की। गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट विच टेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हू हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपका है अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन अवर विलेज। एक बार मैंने अपने स्कूल में स्कूल के अंदर झाकर देख ही लिया। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं खुद को रोक नहीं पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। में चुपचाप से जाकर बच्चों की लाइन में बैठ गई। आई फील सो हैप्पी। तब मैं वह बहुत खुश हुई। आई वेंट होम एंड पिक अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। मैं घर गई और मैंने अपने पिताजी से स्कूल के बारे में बात की। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। बट उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन मैं बहुत रोई। वन डे ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन ऑफ माई पेरेंट्स। एक दिन मेरे गाँव के टीचर ने मेरे पेरेंट्स को समझाया वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी, की पढ़ाई क्यों जरूरी है। द टीचर टोल्ड देम। टीचर ने उनसे कहा दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। मेरे टीचर ने उनसे कहा कि आपको 8वीं क्लास तक पढ़ने के लिए कोई भी चार्ज पे करना पड़ेगा नहीं। द टीचर से टीचर ने कहा दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। हर एक बच्चे का अधिकार होता है कि वह स्कूल जाए और स्टडी करें। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्री। मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कैसे मान लें। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। मैंने स्कूल जाना शुरू किया। आई डिड नॉट लेट हाई मार्क्स। मेरे अच्छे मार्क्स तो नहीं आते थे लेकिन बट आई ऑलवेज आस्क मेनी क्वेश्चन। पर मैं टीचर से हमेशा क्वेश्चन किया करती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन वन ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। यहाँ आपको पता लगाना है कि स्कूल की सभी चीजों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। जैसे थिंग्स में चीज देखो, ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल के आने जाने में, नोटबुक में, पेंसिल्स में, यूनिफॉर्म में, स्कूल बैग में, लंच बॉक्स में, शूज में और अदर थिंग्स में खर्चा मनी स्पेंड। तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ आपका पूरे साल में कितना खर्चा होता है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। तुमने इस साल में कितने रुपयों की कॉपियां स्कूल की कॉपियां यानी नोटबुक खरीदी है तो वो आपको यहाँ बताना है। फिर नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर। आपको अपने स्कूल में किस प्रकार की यूनिफॉर्म ड्रेस पहनना पसंद है। ड्रॉ अ पिक्चर। आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है यूनिफॉर्म की ऑफ
इट इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में, एंड कलर इट, और उसको कलर करना है। फिर नेक्स्ट है मेक टू ग्रुप इन द क्लास, आपकी क्लास में दो ग्रुप बनाना है। डेबिट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, स्कूल की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर आपको डिस्कस करना है। फिर आपका यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीट क्लास 5, समय बीता गया और मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, मुझे पता चला कि छठी कक्षा में खर्चा सिक्स क्लास में उनका खर्चा बढ़ जाएगा, कॉपी किताब का, फिर नोटबुक का, पेंसिल का, सबका, स्कूल बैग का। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वाज टाइम फॉर मी लीव स्कूल, तब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने हल ढूंढी लिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी, और उससे मुझे पैसे मिलते थे। आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी, और मैंने अपनी उन्हीं पैसों से अपनी स्टडी भी चालू रखी। फिर आपका लेटेस्ट टॉक, आओ बताओ। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन क्लास, क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? ऐसे स्टूडेंट के बारे में आपको आपकी क्लास में डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट पेपर आपका है एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, हर एक बच्चे को अधिकार होता है कि वह 8 क्लास तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करे। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस, क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? तो आपको यहाँ चर्चा करनी है। डू यू नो व्हाट इज आरटीई एक्ट 2009, क्या आप जानते हो आरटीई एक्ट 2009 ये कौन सा एक्ट है? दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। Slowly I start talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। My parents also started helping me in my work. मेरे पेरेंट्स भी मेरे काम में मदद करने लगे गांव वालों को समझाने के लिए। My mother used to do all the housework so that I could get मोर टाइम टू स्टडी, घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए इसलिए काफी ज्यादा समय मिलता था। फिर आपका नेक्स्ट है फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। देर आर मनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया, हमारे इलाके में बहुत ही लीची के पेड़ थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू बी लीची फ्लावर्स, मधुमक्खियों को मनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर सेहत बनाने का काम करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैंने सोचा मैं भी यह काम कर लू। आई ज्वाइन अ कोर्स डन बाई द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, तब मैंने गांव की मधुमक्खियों को पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस द कोर्स, मैं सिर्फ एक ही अकेली लड़की थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर का तक का समय मधुमक्खियों को अंडा देने का होता है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। हैव यू सीन माई इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, क्या तुमने कीड़ों को फूल पर आते देखा है?
उनका नाम पता करके आपको लिखना है, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक, और उनको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है और कलर भी करना है। देन हनीबीज फ्लाई, देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, जब मधुमक्खियां उड़ती है तो कैसी आवाज आती है, तो आपको वो साउंड ट्राई करना है। फिर आपका बीकमा बी कीपर, अनीता मधुमक्खी पालक थी। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीस एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकूं। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट 5,000, मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपए कलेक्ट किए। आई बॉक्स टू बॉक्स फॉर कीपिंग बीस, मैंने दो बॉक्स खरीदे मधुमक्खी पालने के लिए। इच बॉक्स कॉस्ट 2,000, उनकी कीमत 2,000 थी। विद द रिमेनिंग मनी, बाकी जो पैसे बचे थे, आई बॉक शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीज, बाकी बचे रुपयों से मैंने मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदी। डेट वॉज इन सितंबर, सितंबर का महीना था। बाय डिसंबर आई हैड सो मनी बीज, मेरे पास इतनी सारी मधुमक्खियां हो गई थी कि आई हैड टू बाय टू मोर बॉक्स, मुझे दो बॉक्स और खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। मेनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट सोलन, कई बार मधुमक्खियां मुझे काटती थी, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। इट वुड पेन अ लॉट और मुझे दर्द भी बहुत होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, पर मैं यह किससे कहती। आई माई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस वर्क, क्योंकि यह काम मैंने ही अपनी इच्छा से शुरू किया था। फाइंड आउट, अब आपको यहाँ पता करना है, व्हाट डू यू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बीज हैज स्टंग, तुम्हारे आसपास के इलाकों में मधुमक्खियों के काटने पर क्या लगाते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, आपको मधुमक्खी का चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है। कलर इट एंड गिव इट अ नेम, और उसको अपना नाम, सॉरी उसको नाम देना है, कलर करना है। फिर द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुआरी, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। आई पुट ऑल माई फोर बॉक्स नियर द लीची ऑर्चार्ड, मैंने चारों बॉक्स लीची के बगीचे में रख दिए। आई गोट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम इच बॉक्स, बक्से में से मुझे उसमें से 12 किलो शहद मिला। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, और मैंने वह मार्केट में बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, यह मेरी पहली कमाई मिली मुझे अपनी मधुमक्खियों से। नाउ आई हैव 220 बॉक्सेस, अब मेरे पास 20 बक्से हैं। वट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता बॉक्स, अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है कि अनीता के 20 बक्सों की कीमत क्या होगी, उसके पास कितनी मनी आई होगी। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती थी। माई कॉलेज इज इन द टाउन, मेरी कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर अवे, मतलब मेरी कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर थी। वेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती थी, माई मदर प्रेपर द सीरप फॉर द बीस, तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती थी। माई फादर लुक आफ्टर द बीस एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्स, और मेरे पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते थे और बक्सों में से शहद निकालते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट हनीता, अब तो तुम भी अनीता की तरह अच्छी तरह जान गए हो, अनीता को अच्छी तरह जान गए हो। अनीता इज नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेज नियर बाय, अनीता को गांव के आसपास के सभी लोग उसे जानने लगे, गांव के
सभी लोगों के बैठकों में जाती थी। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। वह सभी बैठकों में जाती और लोगों को समझाती थी कि सबके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। समटाइम पीपल मेक फन टू हर, कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, बट अनीता नोस व्हाट शी वांट टू डू सो। लेकिन अनीता जानती थी कि उसको अपना काम करना है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट टू डू, और वो अपना काम करती भी थी। अनीता वांट टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वह मधुमक्खियों को पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अब आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। जैसे अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट देयर 35 for 1 kilogram ऑफ हनी। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपए मिलते थे। हाउ मच डज अ किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन, आपके एरिया में 1 किलो शहद के कितना रुपया मिलता है, तो आपको बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट कलर ऑफ हनी दैट यू हैव सीन, आपने किस किस प्रकार का शहद देखा है, मतलब कौन कौन से कलर का। फिर नेक्स्ट है, इज हनी यूज इन योर हाउस, व्हाट इज इट यूज फॉर, क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है, किस किस काम के लिए। एवरी बीव हैज वन क्वीन बी दैट ले एग्स, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन अ हाइव, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। मोस्ट ऑफ द बीस इन हाइव आर द वर्क बीस, बहुत सारी मधुमक्खियां काम करने वाली भी होती है, ये दिन भर काम करती है। दे बीस वर्क ऑल डे, दे मेक द हाइव एंड also look after the babies, baby bees. They fly around flower in the search of nectar. वह हमेशा फ्लावर के आसपास घूमती रहती थी से और वह रस से शहद भी बनाती थी। They collect nectar from flowers for honey. When one bee find flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where its nectar is. छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता था और अपने बच्चों को भी पालती थी। ये ना हो तो छत्ता ना बने। द वर्कर बीस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हाइव, विदाउट वर्कर बीस देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। ऑल बीस इन द हाइव वुड गो हंग्री दैट द मेल बीस हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लाइव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनीबीज, मधुमक्खियों के अलावा ऐसे कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। आंट्स लाइक एंड वर्क टुगेदर लाइक हनीबीज, चींटियां हमेशा मिलजुल कर रहती है और हनीबीज की तरह काम करती है। द क्वीन आंट लेस द एग, सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है, रानी चींटी अंडे देती है। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट नेस्ट, वर्कर्स आंट आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। टर्मिटीज द वास्प ऑल्सो लाइक दिस, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इस समूह में रहते हैं। हैव यू सीन वेयर आंट्स लाइक, तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है। व्हाट काइंड ऑफ इटेबल्स अट्रैक्ट आंट्स, लिस्ट देम, चींटियां किस किस प्रकार का खाना खाती है, उन्हें क्या सबसे ज्यादा खाना अच्छा लगता है, तो आपको बताना है। लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स, व्हाट इज इट्स कलर, चींटियों की कतार को देख के बताओ कि इनमें कौन सा रंग होता है। फिर हैव यू बीन
बिटन बाई अन आंट. क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? व्हाट वॉज द आंट लाइक? ब्लैक और रेड? बिग और स्मॉल? कैसी थी वह चींटी? काली या बुरी, छोटी या मोटी, और किस तरह की? डू आंट्स एवर कम नियर यू? वैन? क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? वैन? कब? लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट्स. हाउ मनी लेग्स डज एन आंट हैव? कुछ चींटी छोटी होती है और कुछ चींटियां बड़ी होती है. ध्यान से देखो, चींटियों के कितने पैर होते हैं तो आपको बताना है. बिग आंट्स के कितने पैर होते हैं? स्मॉल आंट के कितने पैर होते हैं? ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. आपको चींटी का पिक्चर ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है. बाय रीडिंग पीनट्स एंड प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स. तुम अक्सर मूंगफली खाकर उनके छिलके फेंक देते होंगे. Why don't you try to make a mistake by using the cells? Do not forget to color them. चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करते हैं और उन पर रंग भरना ना भूलें. So student, ये था आपका आज का chapter 5, अनीता एंड द हनी बीज. आपको इस chapter के सारे question answer write down करने हैं, इसकी preparation करनी है. So thank you everyone.